بسم الله الرحمن الرحيم بچے دھوپ میں گھوم لگے تھے ہاں دادا نے
आप सब अलामे गाजी अब्बास लेकर निकले और आप सबसे सवाल किया जाए कि भैया कहां जा रहे थे, तो आप कहेंगे करबला जा रहे हैं। ताजिया लेकर निकले, आपसे सवाल किया जाए ताजिया कहां लेकर जा रहे हैं, क्या करबला जा रहे हैं। पाकिस्तान वालों से सवाल किया जाए, एक ताजिया लेकर कहां जा रहे हैं, कहने लगे करबला जा रहे हैं। लंदन वालों से सवाल किया जाए, ये ताजिया लेकर कहां जा रहे हैं, कहने लगे करबला जा रहे हैं। ईरान वालों से सवाल किया जाए, ये ताजिया लेकर कहां जा रहे हैं, कहने लगे करबला जा रहे हैं। इंडिया वालों से सवाल किया जाए, ये ताजिया लेकर कहां जा रहे हैं, कहने लगे करबला जा रहे हैं। तो अल्लाह ने कहा कि हर इंसान ये कहता है कि करबला जा रहे हैं, करबला जा रहे हैं, करबला जा रहे हैं। मेरे का मामला क्या है, ये वजह क्या है, ये सबब क्या है? अरे ये ताबूत जो है ये होता है जनाजे की छवि, और आप करबला लेकर जा रहे हैं। तो कहने लगे मौलाना साहब असल मामला ये है, अरे जो जी के मरता है वो जाता है कब्रिस्तान, और जो मरकर जीता है वो करबला जाता है। मौलाना साहब असल मामला ये है कि जो जी के मरता है वो कब्रिस्तान जाता है, जो मरकर जीता है वो करबला जाता है। बाकी इनकी इंतहा भी बात है, इनकी इंतहा लोग कहते हैं कि आप लोग ये क्यों कहते हैं कि हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। अगर आप हुसैन अलैहिस्सलाम को ये कहते हो कि हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, तो आपकी यसीन तो कातिल लगा दिएगा। अगर आप लोग ये कहते हो कि हुसैन जिंदाबाद, तो फिर यसीन को कातिल ना मानिएगा। मैंने कहा ये यसीन कातिल है और हुसैन अलैहिस्सलाम को यसीन ने कत्ल किया। कहने लगे तो फिर आप ये क्यों कहते हैं हुसैन जिंदाबाद? अगर आप हुसैन अलैहिस्सलाम को जिंदाबाद कहते हैं यसीन को कातिल ना मानिए। मैंने कहा आइएगा मिसाल देता हूं आपको। सरकार ने एक दरख्त लगाया और उस पर एक कानून रखा कि जो भी इस दरख्त को काटेगा उसे 3 साल की सजा मिलेगी। मिसाल दे रहा हूं कि जो भी इस दरख्त को काटेगा उसे 3 साल की सजा मिलेगी, वो 3 साल सजा का मुस्तहिक है। एक साहब मजमे से उठे और उस दरख्त के करीब गए और उस दरख्त को काट दिया। थानेदार साहब को पता चला कि साहब वो दरख्त जो है कट चुका है और फला साहब ने उसे काटा। तो थानेदार साहब आए, उसे लेकर चले, जेल में रहा। अब यही दरख्त 1 साल बाद अपने शबाब पर आया, अपनी जवानी पर आया, अपने कराल पर आया। तो जो साहब थाने में थे, जेल में थे, उनके भाई अपने घर से उठे और थानेदार साहब के पास गए और कहने लगे कि किबला जो मेरे भाई ने दरख्त काटा था वो अपने शबाब पर आ गया है, वो अपनी बुलंदी पर आ गया है, वो अपने कमाल पर आ गया है, लिहाजा मेरे भाई की रिहाई कर दीजिएगा, मेरे भाई को छोड़ दीजिएगा, मेरे भाई की रिहाई कर दीजिएगा। तो थानेदार साहब
حسین علیہ السلام کو شہید کیا ہے، لیکن یہ تو میرے حسین کا کمال ہے کہ شہید ہونے کے بعد حسین علیہ السلام کی عزادار جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو سمجھنے کے لیے آگے دوسری مجلس میں ہونے کے اسے قبلہ سلام قبلہ خطاب فرمائیں گے. Yeah.
زار زار ہے ہم شہ کے